हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सब होंगे बढ़िया। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि 15,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 15,000 से भी कम प्राइस सेगमेंट का है तो दोस्तों ऐसा स्मार्टफोन भी आपको सैमसंग का देखने को मिल जाता है। दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन्स हैं 80 से 90% स्मार्टफोन्स में सैमसंग का डिस्प्ले यूज़ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले वाइज काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात करें मेरे परफॉर्मेंस की, तो आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलने वाली है। आप गेमिंग भी कर पाएंगे, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी कर पाएंगे, और अगर आप हैवी वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर पाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है बेस्ट, क्योंकि दोस्तों कैमरा सेंसर भी सैमसंग ही बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा भी काफ़ी बेस्ट देखने को मिलने वाला है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये 5 स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप बेस्ट स्मार्टफोन देना चाहते हो सैमसंग की तरफ से, अगर आपको सैमसंग का ब्रांड पसंद है, या फिर दोस्तों आपको एक बेस्ट ब्रांडेड स्मार्टफोन चाहिए, लंबा टिकाऊ स्मार्टफोन चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखें बिना स्किप किए एंड तक। तो दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए तो पहले तो यार फ्रेंड अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर करें, ताकि दोस्तों ऐसे ही मैं आपके लिए फ्यूचर में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सकूं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या फिर सुझाव हो दोस्तों तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी स्मार्टफोन्स के बारे में हम बात करेंगे इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, इसलिए फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे इसमें आपको मेन तो कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा कैमरा, और दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, प्रोटेक्टिव डिस्प्ले देखने को मिलेगी फ्रेंड, ताकि डिस्प्ले आसानी से क्रैक ना हो, और फ्रेंड काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, और दोस्तों प्रोसेसर वाइज भी स्मार्टफोन बेस्ट है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल गया था सैमसंग की तरफ से, अगर आप सैमसंग यूज़र है तो दोस्तों आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन है सैमसंग M31। इसकी मेन स्पेक्स की बात करें फ्रेंड तो इसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही फ्रेंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, क्वाड कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो है प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल प्लस 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। 6000 mAh की बिग बैटरी इस स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। साथ ही दोस्तों आपको 15 वाट का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको एक्जनोस 9611 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड रन करता है। फ्रेंड आपको इस स्मार्टफोन के 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जो है 6GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तीसरा वेरिएंट है 8GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट देखने को मिलेगी, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल रहा है, दोस्तों काफ़ी बेस्ट इमेज इस स्मार्टफोन से आप क्लिक कर पाएंगे, और फ्रंट कैमरा भी काफ़ी बेस्ट है। इसमें दोस्तों बैटरी भी आपको काफ़ी पावरफुल मिल रही है 6000 mAh की। साथ ही दोस्तों आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो आप बेस्ट गेमिंग इस स्मार्टफोन में कर पाएंगे, और दोस्तों अगर आप बिजनेस वर्क या फिर पर्सनल वर्क स्मार्टफोन पर करते हैं तो दोस्तों आपके लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो जो 6GB RAM 64GB वाला वेरियंट है ये आपको 14,500 रुपये में देखने को मिल जाता है, और दोस्तों जो 6GB RAM 128GB वाला वेरियंट 15,000 रुपये की प्राइस में, 8GB RAM 128GB वाला वेरियंट 17,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। अब जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, ये आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही बहुत ही बड़ा कैमरा देखने को मिलेगा सेल्फी कैमरा, और काफ़ी बढ़िया रियर कैमरा भी देखने को मिलेगा। बड़ी बैटरी है और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है, और दोस्तों रैम और स्टोरेज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल गया था सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M21। इसमें फ्रेंड आपको 6.4 इंच की फुल HD रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, और दोस्तों बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और प्लस 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। फ्रंट फेसिंग कैमरे की बात करें तो 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा कैमरा देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरा। इसमें दोस्तों आपको 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 15 वाट का फास्ट चार्जर। मेन इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक्सनोस 9611 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है, और दोस्तों इसमें आपको एंड्रॉयड 10 का वर्जन देखने को मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और जो दूसरा वेरिएंट है 6GB RAM, 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो आपको फुल HD रेजोल्यूशन वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसमें आप व्यू एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट ले पाएंगे, और अगर आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके प्रोटेक्शन के लिए आपको
कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, और जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा, इससे आप अच्छी खासी इमेज क्लिक कर पाएंगे। बढ़िया क्वालिटी की इमेज आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल रही है। और दोस्तों इसमें आपको एक बढ़िया अमेजिंग कैमरा देखने को मिलेगा, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों इसमें एक बिग बैटरी भी देखने को मिल रही है, और जो एक्सिनोस 9611 है ये एक बेस्ट प्रोसेसर है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा स्मार्टफोन की। अब फ्रेंड मेन प्राइस की बात करें इस स्मार्टफोन की, तो जो 4GB रैम 64GB वाला वेरिएंट है ये आपको 13,990 रुपये में देखने को मिलेगा, और जो 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 15,499 रुपये में। तो दोस्तों आप अपनी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप बेस्ट व्यू एक्सपीरियंस लेना चाहते हो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन मूवी या फिर दोस्तों नेटफ्लिक्स से वीडियो देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। और फिर यहाँ पर आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा दोस्तों, फास्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप एक कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो फ्रेंड, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, और अगर आप एक बेस्ट परफॉर्मेंस वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रह सकता है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग की तरफ से, जो कि हाल ही फिलहाल में लॉन्च हुआ है फ्रेंड, सैमसंग गैलेक्सी M32। फ्रेंड इस स्मार्टफोन की मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर अमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज का हाईएस्ट रेफ्रिजरेट सपोर्ट, और दोस्तों यहाँ पर आपको 800 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर दोस्तों बैक साइड में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड यहाँ पर 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, और 15W का फास्ट चार्जर इनबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 का गेमिंग चिपसेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर एंड्रॉयड 11 देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन के दो वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दोस्तों 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, 1TB आप अलग से एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, इसमें भी आप 1TB एक्सपेंड कर पाएंगे। LPDDR4X रैम देखने को मिल जाता है, एंड दोस्तों यहाँ पर आपको eMMC 5.1 देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप डिस्प्ले का डे लाइट में यूज़ करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको 15W का फास्ट चार्जर ही देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ये जो बैटरी है 25W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ, यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G80 देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप HD हाई सेटिंग्स में पबजी को खेल पाएंगे, और दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी को लो और मीडियम सेटिंग्स में खेल सकते हैं। तो फिर अगर आप एक बेस्ट कैमरा वाइज या फिर बेस्ट डिस्प्ले वाइज स्मार्टफोन लेना चाहते हो बेस्ट बैटरी वाइज, तो ये स्मार्टफोन इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और अगर आप एक अच्छी खासी गेमिंग करना चाहते हो तो भी आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस स्मार्टफोन की मैंने प्राइस की बात करें तो 4GB वाला वेरिएंट आपको 14,999 रुपये के प्राइस पॉइंट में देखने को मिल जाता है, और 6GB वाला वेरिएंट आपको 16,999 रुपये के प्राइस पॉइंट में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं। तो ये स्मार्टफोन निकल के आता है सैमसंग F41। फ्रेंड इसके मेन स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 6.4 इंचेस का फुल HD वाला सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा बैक साइड में। इसके कैमरे की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, जो है प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। इसके फ्रंट कैमरे की बात करें फ्रेंड तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, और इसकी बैटरी 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाती है। इसके मेन परफॉर्मेंस की बात करें यानी कि प्रोसेसर की, इसमें आपको एक्सिनोस 9611 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। तो फ्रेंड इसके रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे, और दोस्तों जो दूसरा वेरिएंट 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रेंड ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है फ्रेंड सैमसंग की तरफ से, क्योंकि इसमें आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, साथ ही दोस्तों काफ़ी बढ़िया कैमरा देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कैमरा दोस्तों ये सैमसंग का 64 मेगापिक्सल का, अलग से आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे। और फ्रेंड प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है सेल्फी कैमरा। दोस्तों इसमें आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही दोस्तों जो एक्सिनोस 9611 का जो प्रोसेसर है इसमें आप काफ़ी बढ़िया तरीके से गेमिंग कर पाएंगे दोस्तों।
पबजी, फ्री फायर जैसे गेम को दोस्तों आप हाई ग्राफिक्स में इस स्मार्टफोन में खेल पाएंगे। और दोस्तों अच्छी खासी आपको रैम और स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड फाइनली इसकी प्राइस की बात करें तो जो 6GB रैम 64GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला स्मार्टफोन है ये आपको 13,999 रुपये में देखने को मिलेगा, यानी कि 1400 रुपये में। और फ्रेंड जो 6GB रैम 128GB वाला स्टोरेज आपको 1450 रुपये की प्राइस में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों 500 रुपये का फर्क है, जिसमें आपको काफ़ी बढ़िया रैम और स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी, काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप सैमसंग की तरफ से बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 14,000 की प्राइस में, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों यह है सैमसंग A21s। इसकी डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले रहेगी। और दोस्तों इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रोनेस। फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का, 5000 mAh की बिग बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जर। और दोस्तों इसमें प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको एक्सिनोस 850 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है और 2 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। इस स्मार्टफोन के आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, अलग से आप 512GB एक्सपेंड कर पाएंगे। दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन की बात करें तो 6.5 इंच की आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बढ़िया अमेजिंग आपको एक्सपीरियंस देगी। तो दोस्तों अगर आप नेटफ्लिक्स से यूट्यूब वगैरह वीडियो देखते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ ही अगर कैमरा वाइज स्मार्टफोन लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगी कैमरे की, और आप अल्ट्रा वाइड एंगल भी ले पाएंगे। दोस्तों इसमें आपको अच्छी खासी बैटरी और अच्छा खासा फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। मेन फ्रेंड प्रोसेसर की बात करें तो जो सैमसंग के दूसरे प्रोसेसर है उनके कंपैरिजन में दोस्तों ये प्रोसेसर काफ़ी फास्ट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आप इस स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हो तो जो 4GB वाला वेरिएंट है ये आपको 12,999 रुपये में देखने को मिलेगा, जो 6GB वाला वेरिएंट है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये 14,999 रुपये, 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट 17,499 रुपये में। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन है, अगर आप इस स्मार्टफोन को बाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड आपके प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन्स। अभी भी आपको स्मार्टफोन्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है फ्रेंड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और स्मार्टफोन्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड मिलता होगा अगली ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।